फ्रेंड, ठंडी का मौसम है और मार्केट में ये लाल वाले गाजर जो है बहुत ही आसानी से मिल जा रहे हैं। ये लाल वाले गाजर से हम ज्यादातर गाजर का हलवा बनाते हैं, या तो इसकी सब्जी बना के तैयार कर लेते हैं, या तो इसका जूस बनाते हैं, या तो इसका हम अचार बना लेते हैं। पर मैं आज आप सभी को इस गाजर से बहुत ही हेल्दी रेसिपी बना के बताऊंगी, वो भी 2 बूंद तेल के अंदर। तो मैंने ये 3 गाजर लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं मीडियम साइज का गाजर है। गाजर को मैंने ऊपर से छील के धो लिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले ये रेसिपी बनाने के लिए गाजर को ग्रेट करना है, तो हम बारीक वाले ग्रेटर से इस गाजर को ग्रेट करेंगे। अब मैंने 3ों गाजर को बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया हुआ है। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच के करीब ये ग्रीन कैप्सिकम ऐड करूंगी। मैंने इसे एकदम बारीक कट कर लिया है, और हाफ ऑनियन को भी मैंने बारीक कट करके ले लिया हुआ है, इसे भी हम ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच के करीब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। अगर आप अदरक लहसुन और ऑनियन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ इसके अंदर आप अदरक को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब अपने स्वाद के अनुसार हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और इन सारी सामग्रियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सारी सामग्रियां अच्छे से मिक्स हो चुकी है। आप अपने पसंद के अनुसार इसके अंदर और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, पर आपको इसके अंदर गाजर की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा ही रखनी होगी। अब इसे हम साइड में रख देते हैं कि हमारा वेजिटेबल जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब अपने नाश्ते का बैटर रेडी करने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया हुआ है। बाउल के अंदर मैं 1 कप के करीब ये बारीक वाली सूजी ऐड करूंगी। आप चाहे तो मोटी वाली सूजी भी यूज कर सकते हैं। और 1/2 कप के करीब मैं फ्रेश दही इसके अंदर ऐड करूंगी। अब इसके अंदर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। मैं रेगुलर सेना नमक ही यूज करती हूँ कुकिंग में। और 1/2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सारी सामग्रियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब दही सूजी के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 1/3 कप के करीब वाटर ऐड करूंगी। वाटर को भी हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस नाश्ते का बैटर जो है हमें न तो ज्यादा पतला बनाना है न तो ज्यादा गाढ़ा बनाना है। अब इसके अंदर 1 स्पून के करीब मैं और वाटर ऐड करूंगी और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। हमने ये जो सब्जियों को रेस्ट पे रखा था, हमारी सब्जियां जो है सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस तरीके से हम इसे लेंगे और इसे इस तरीके से निचोड़ लेंगे। और निचोड़ के हमें इन सब्जियों को अलग रखना है, और ये जो सब्जी का हमारे पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम यूज करेंगे। इसी तरीके से बाकी के जो सब्जियां हैं उसे भी हम निचोड़ लेंगे। अब सारी सब्जियों को मैंने निचोड़ लिया हुआ है, उसका पानी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से निकल चुका है, और हमारी सब्जी भी जो है पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है। ये प्रोसेस करना हमें बहुत जरूरी था। अब इसके अंदर हम बाकी के और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो इसे और भी चटपटा बनाएगा। अब इसके अंदर मैं एक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च ऐड करूंगी, चाट मसाला 1/2 चम्मच के करीब। आप चाहे तो इसके बदले अमचूर का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम नमक यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने नमक पहले ही इसके अंदर ऐड किया हुआ था। आप चाहे तो इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर ये ऐसे ही बहुत ही चटपटा बनेगा। और ये जो नाश्ता है बहुत ही हेल्दी
हेल्दी है और बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाता है। और 2 बूंद तेल के अंदर इसे हम बना के तैयार भी करेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे बहुत सारी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, उसके लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसके हम छोटे छोटे बॉल रेडी करेंगे इस तरीके से। अगर हम इसके अंदर का पानी निचोड़ के नहीं निकाले होते तो ये इस तरीके से सर्कल शेप में नहीं आता। और ज्यादा बड़े बॉल्स हमें इसके रेडी नहीं करने हैं, इतने छोटे छोटे बॉल्स ही हमें रेडी करने हैं। अब मैंने सारे बॉल्स बना के रेडी कर लिए हुए हैं और हमने जो सूजी को रेस्ट पे रखा हुआ था, हमारी सूजी जो है वो भी अच्छे से फूल चुकी है। अब हमारी सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है, आप देख सकते हैं ये अभी बहुत गाढ़ा है क्योंकि इसे हमने रेस्ट पे रखा था, तो सूजी फूलने के बाद ये पूरी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। हमने ये जो वेजिटेबल को निचोड़ के रखा हुआ था उसका पानी है इसके अंदर हम ऐड करेंगे। एक साथ हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे हम मिक्स करेंगे। इस तरीके से ये वेजिटेबल का वाटर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे इस नाश्ते का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ये नाश्ता भी बहुत हेल्दी बनेगा। और थोड़ा सा इसके अंदर हम इसे ऐड कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे नाश्ते का बैटर जो है रेडी हो चुका है। इसे न तो मैंने ज्यादा गाढ़ा रखा है न तो ज्यादा पतला रखा है, इतना पतला ही हमें इसे रखना है। और ये जो बाकी के वेजिटेबल के वाटर बचे हुए हैं, इसे आप सब्जी बनाते समय सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, दाल में भी यूज कर सकते हैं, और इसे आप चाहे तो ऐसे डायरेक्टली भी जूस की तरीके से पी सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने नमक सब कुछ ऐड किया हुआ है तो उसका टेस्ट है तो बहुत ही ये टेस्टी लगेगा और पूरी तरीके से हेल्दी भी है ये। अब इसके अंदर में 1/2 टेबल स्पून से भी कम बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है, वो ऐड करूंगी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा आपको एकदम लास्ट में ही ऐड करना है। और बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे हम ज्यादा फेटेंगे नहीं, बस उसे हम बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा, हमारा ये जो नाश्ता है बहुत ही हल्का बनेगा और अच्छे से फूलेगा भी। अब बेकिंग सोडा भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। आज हम जो हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं वो इस अपपम पैन के अंदर बनाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने स्लो करके ही रखा है। अब अपपम पैन को मैं इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। ऑयल हमें ज्यादा यूज नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा ही हम ऑयल यूज करेंगे। और गैस का फ्लेम हमें स्लो करके ही रखना है। अब मैंने अपपम पैन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, आप देख सकते हैं। और हमने जो बैटर रेडी किया था वो बैटर हम इसके अंदर ऐड करेंगे और बैटर को हमें पूरा इसके अंदर फिल नहीं करना है, इसे हमें हाफ ही फिल करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना फिल किया हुआ है। इसी तरीके से बाकी सांचे में हम अपने बैटर को हाफ फिल कर लेंगे। अब हमने अपपम पैन को फिल कर लिया हुआ है। अब हमने जो बॉल्स रेडी किए थे वो बॉल्स हम इसके अंदर इस तरीके से सेंटर में ऐड कर देंगे। और गैस का फ्लेम मैंने स्लो करके ही रखा हुआ है। अब सारे बॉल्स को मैंने सेंटर में डाल दिया हुआ है। अब इसे हम ऊपर से इस तरीके से कवर कर देंगे। कि हमारा ये जो बॉल्स है वो पूरी तरीके से कवर हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से कवर किया हुआ है। इसी तरीके से बाकी के सारे हम कवर कर लेंगे। अब इन सबको मैंने बैटर डाल के ऊपर से कवर कर लिया हुआ है। गैस का फ्लेम स्लो करके हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हम हटा लेंगे। अब ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इस तरीके से ऑयल
स्प्रेड कर दूंगी और इसे फिर से कवर करके मैं 1 मिनट के लिए रख दूंगी। 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हम हटा लेंगे और इसे हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारा ये नाश्ता सीख चुका है नीचे से। आप सोच रहे होंगे कि ये लाइट ब्राउन हुआ है और ये कुछ ज़्यादा ही डार्क ब्राउन हो चुका है। हमारे गैस का जो आँच होता है वो डायरेक्टली बीच में ही रहता है तो ये जल्दी कुक हो जाता है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो चुका है, जला नहीं है। अब सारे नाश्तों को हमने पलट लिया हुआ है, अब फिर से इसे कवर करके हम 1 से 1.5 मिनट के लिए रख देंगे और 1 से 1.5 मिनट के बाद हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो जाएगा। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हम हटा लेंगे और इसे हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो नाश्ता है वो नीचे से भी कितने अच्छी तरीके से सिक चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे आप ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और बच्चों को आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चे भी बहुत ही प्यार से इसे खाएंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा हेल्दी सा गाजर का नाश्ता बन के 2 बूंद में तैयार हो चुका है। आपको मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने जो स्टफ किए थे सारे वेजिटेबल कितने अच्छे से इसके अंदर फिल हुए हैं, अब पूरी तरीके से पक भी चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।